लाह की चूड़ियां पाठ दो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित और यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक्स है वसंत भाग तीन के अंतर्गत पाठ नंबर दो लाह की चूड़ियां। लाह की चूड़ियों में लेखक ने बताया है कि किस तरह से बदलू काका और बदलू काका की बेटी रज्जो और लेखक स्वयं तीन आते हैं। गर्मी के दिनों में लेखक अक्सर अपने ननिहाल चला जाया करता था और वहाँ देखता था कि बदलू काका किस तरह से विभिन्न मुंगेरियों के सहायता से लाख की चूड़ियाँ बनाया करती हैं। लाख होता क्या है? लाख वन संपदा है और वनों में एक प्रकार का कीट पाया जाता है। वो कीट लाख छोड़ता है और फिर उसे लोग इकट्ठा करते हैं, बाज़ार में आता है और बाज़ार के आने के बाद वो लाख की चूड़ियों बनाने के लिए और पोस्ट ऑफिस में जो हम पत्र भेजते हैं, जो सीक्रेट पत्र होता है, उसको हम उसको लाख से सील करते हैं। तो ये लाख का उपयोग होता है। बदलू काका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो हमेशा से लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। लेखक वहाँ क्यों जाता था? क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी गोलियाँ बदलू काका लाख की बना के देती थी और लाख की चूड़ियाँ में वो बदलू काका वस्तु विनिमय का माध्यम अपनाते थे। जब लाख की चूड़ियाँ बनाकर गांव में बेचते थे, उसके बदले बदलू काका को सब्जी है, कपड़े हैं और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें उनको मिला करती थी। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलना। तो ये बदलू काका का काम था। उनकी जो लड़की थी रज्जो, जब लेखक गया तो देखा कि आम की फसल खूब पैदा हुई, तो बदलू काका ने पूछा कि आम की फसल कैसी हुई। तो बदलू काका को लेखक ने बताया आम की फसल बहुत अच्छी हुई और लेखक को आवभगत करने के लिए, देखिए देहात क्षेत्र में आत्मीयता है, अतिथो देवो भव की परंपरा आज भी विद्यमान है, उसको चरितार्थ करने के लिए बदलू काका ने कहा, अरे रज्जो जरा अंदर से आम ले आ और देख ये आया है ना, इसको खिला आके। तो रज्जो लाती है और बढ़िया बढ़िया आम खिलाती है। तो यहाँ पर लाख की चूड़ियों के माध्यम से ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों का कितना महत्व है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी यदि उद्योग धंधे वहाँ को स्थापित की जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पारिवारिक रिश्ते कैसे हों। तो रज्जो जो थी उसकी कलाइयों में क्या शोभायमान हो रहा था, उसकी कलाइयों में ये लाख की चूड़ियाँ शोभायमान हो रही थी और शादी ब्याह में लाख की चूड़ियों का जोड़ा जाता है। वहाँ पर बदलू काका अच्छी पैसे कमा लेता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग विद मी, स्टे सेफ एट योर होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।